तो चलिए आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक। और आज हमारे टॉपिक का नाम रहेगा कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रोटेट कराते हैं तो हमें कितना वर्क कंज्यूम करना पड़ेगा, हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो उस काम को हम कैलकुलेट करेंगे, एक एक्सप्रेशन बनाएंगे बेसिकली। अच्छा, अब बात आएगी हमें वर्क कैलकुलेट करना, उसके लिए एक्सप्रेशन बनाना ही बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो वर्क के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वर्क अगर कैलकुलेट करना होता है, एक तो फोर्स और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बाद में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी आ जाता है, क्योंकि आप जानते हो W इज इक्वल टू FdS cos थीटा, सॉरी FS cos थीटा, वेर F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं और हमें इसी प्रोसेस में जो वर्क हुआ उसे कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि ये रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में वर्क कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? रोटेशनल मोशन में वर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टाउ एंड थीटा, टाउ इंटू थीटा। टाउ इज़ द टॉर्क, थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि चूंकि ये रोटेशनल मोशन है तो यहाँ पे टार्क कितना है। टार्क बेसिकली हमने पीछे निकाल ही लिया था पिछले वाले अपने वीडियो में, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। लेकिन यहाँ हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहाँ रखा हुआ है, फिर कहाँ पर ले जाके हमने कितना रोटेट किया। तो यहाँ पे बेसिकली मान लेंगे कि हम थीटा वन पे रखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से, और फिर हमने उसको थीटा टू पे कर दिया। तो यहाँ पे हम लिमिट्स यूज़ करेंगे, और चूंकि हमें यहाँ वर्क कैलकुलेट करना है इसलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या रहेगा आज, हमें ये जानना रहेगा वर्क कैलकुलेट करना है। चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेशन मोशन में वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें टार की ज़रूरत होती है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम इन्हीं दो बातों को थीम में लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए हमने क्या किया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले ऐसे कैसे रहा होगा, फिर थीटा वन पे आया, फिर हमने कहाँ पे ला के रख दिया, देखिए थीटा टू पे। तो पहले मान लीजिए थीटा वन पे था, अब ये थीटा वन इसके इस वाली लाइन के रेफरेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रेफरेंस में पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा वन पे था, फिर हमने उसको लाग उठा कर थीटा टू पे कर दिया। ओके, यहाँ के रेफरेंस में पहले थीटा वन पे था, फिर हमने उसको थीटा टू पे कर दिया। अब आप कहोगे सर ये बीच में आपने डी थीटा क्यों लिया हुआ है? तो बेसिकली हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें हमारे पास फंडा है कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है टार्क की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ हम ऐसा करेंगे, चूँकि हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना है इसलिए हम स्मॉल एंगल डी थीटा में स्मॉल सा वर्क निकाल लेंगे, राइट। स्मॉल एंगल डी थीटा को थोड़ा सा रोटेट कराने में जो वर्क थोड़ा सा हुआ है, चुटकू सा वर्क, वो निकाल लेंगे पहले, फिर हम अपने को इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरी प्रोसेस में टोटल रोटेशन में जो वर्क आया है, वर्क आएगा वो निकल जाएगा इंटीग्रेशन के थ्रू। तो देख लीजिए, आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि दिस इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स इंटेंसिटी इजी। हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मान लीजिए कि ऐसे पड़ा रहा होगा, थीटा वन रोटेट करा, थीटा वन पे है इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, थीटा वन पे है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, और फिर हमने उसको कहाँ पे ले जाके पटक दिया, थीटा टू पे। तो जब थीटा टू पे हमने पटक दिया इसको ला के, पहले थीटा वन पे था ड्रूम, ऐसे करके थीटा टू पे कर दिया। तो जब थीटा वन से थीटा टू पे हमने इसको किया, तो इस दौरान कितना हमने वर्क किया, एक्चुअली हमें कितना वर्क करना पड़ा, कितना हमें इससे परिश्रम करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा। तो इसी वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्मॉल सा एंगल डी थीटा मान लिया है, और इस डी थीटा एंगल रोटेट कराने में छोटू सा वर्क डी डब्ल्यू लग करना पड़ेगा हमें। अब इस डी डब्ल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको पहले आप फिगर ड्रा कर लीजिए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो थीटा वन पहले एंगुलर पोजीशन, उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा वन है, फिर उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा टू हो जाती है। तो इस दौरान हमें कितना वर्क करना पड़ा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक छोटा सा एंगल डी थीटा मान लिया, इसमें जो वर्क रहेगा डी डब्ल्यू उसको पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी को इंटीग्रेट करके पूरी प्रोसेस में जो वर्क हमने किया है वो निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आपको पता होगा कि वर्क का फार्मूला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा,
ये होता है। स्मॉल सा वर्क, वही जो छोटी सी स्ट्रिप थी, सॉरी जो छोटा सा एंगल था उसको हमें चलाने में इतना वर्क किया। अब ये फार्मूला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू थीटा होता है, पर यहाँ जो है थीटा बहुत छोटा है तो काम भी तो बहुत छोटा सा होगा, तो ये फिर हमारा हो जाएगा टाउ डी थीटा। एक तरह से हम यहीं से इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सर हमने ये वर्क का फार्मूला तो नहीं सुना है, हमने तो सुना है कि जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है कहीं एफ इंटू एस होता है, ऐसा कुछ होता है जहाँ बीच के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जीरो होता है। तो भैया ये भी है, ये भी है, ये एंगुलर मोशन के लिए होता है ये वाला फार्मूला, और ये लीनियर मोशन के लिए होता है। दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अगर आप ऐसा सोचो कि एक कोई पार्टिकल है और आप यहाँ से इसको रोटेट करके यहाँ ले गए, ठीक है, आपने एस आर्क ट्रेवल किया और आप जानते हो कि ये थीटा एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप इस पार्टिकल पे फोर्स क्या लगा रहे थे, एफ़ लगा रहे थे, तो आप जान रहे हो कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्क एफ इंटू एस हो गया, पर आप ये भी जानते हो कि एस एस बाई आर इज इक्वल टू थीटा, सबको पता होगा क्योंकि ये आर हमने मान लिया है जिस सर्कुलर पे सर्कल पे चल रहे उसकी रेडियस, तो एस बराबर हो जाएगा हमारा आर इंटू थीटा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F और ये R थीटा हो गया, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, टार्क होती है, तो ये हो जाएगा टार्क इंटू थीटा। अब बात को समझिए, बहुत ईजिली हम इसको समझ सकते हैं कि भाई हमने कहा कि ये हमारा लग ही रहा है कि हम इस पर रोटेशन करा रहे हैं, इसको रोटेट करा के हमने यहाँ इसको ले आए, तो हमने एक तरह से रिलेशन जान लिया कि वर्क का ये फार्मूला, ऑफ कोर्स अगर हम लीनियर मोशन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, या फिर हम अगर किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पर अगर हम रोटेशनल मोशन कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको आप सीख सकते हो, ठीक है। बाकी बस ये डाउट क्लियर करने के लिए था कि कैसे ऐसे इससे आ जाता है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यहीं रहेगा, तो आप इसी पे फोकस करिए प्लीज़। तो देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें तो वर्क छोटा सा पता चल गया। अभी आपको देखा मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले थीटा वन कंडीशन पे था और अभी कहाँ पे हो गया, थीटा टू कंडीशन पे हो गया, थीटा टू पे चला गया। बीच में एक स्ट्रिप मान, एक छोटा सा एंगल मान लिया था डी थीटा, तो इतने में हमें वर्क डी डब्ल्यू मिल रहा है, पर हम तो थीटा वन से थीटा टू चल रहे हैं। तो अगर हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे डी, तो ये कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। अब आप सोचो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, शुरू में तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे थे, बाद में आप कितना वर्क कर रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू। शुरू में आपका जो एंगुलर पोजीशन था वो थीटा वन था, और फाइनल एंगुलर पोजीशन आपकी कितनी है, थीटा टू है। तो आप इन लिमिट्स के बीच इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको फुल वर्क पता पड़ जाएगा कि पूरा वर्क कितना हुआ है टोटल रोटेशन में। तो देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, उसकी लिमिट ज़ीरो, कैपिटल डब्ल्यू। और अब देखिए टाउ का क्या फार्मूला होता है, टाउ को मैंने बताया पिछले लेक्चर में कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, और ये हो जाएगा हमारा पी ई साइन ऑफ थीटा, ठीक जी थीटा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट डब्ल्यू हो गई, लोअर लिमिट ज़ीरो हो गई, दोनों को घटा दिया, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये तो यूनिफॉर्म ही है, ये भी कांस्टेंट होगा, तो इन इस इंटीग्रेशन बॉडी के बाहर हम इसको ले आए, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ें कांस्टेंट और कांस्टेंट इंटीग्रेशन बॉडी के बाहर चला जाता है। और ये हो गया हमारा साइन थीटा डी थीटा, इसने सेंस कर लिया आपके पास थीटा है, ओके आप वेरिएबल हो सकते हो तो आपको मैं इंटीग्रेट कर दूँगा, राइट। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ें वेरिएबल नहीं होती, वेरिएबल होती उन्हीं को हम इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, फिर या कोई पैरामीटर अगर वेरी कर रहा हो तो उसके रेफरेंस में भी देखते हैं। फिलहाल हमें ये दिखा कि ये साइन थीटा डी थीटा, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे ही कि इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टूल है फिजिक्स का, अपना मैथमेटिक्स का पार्ट है, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप जान लो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं सिंपलीफाई, तो ये हो गया कैपिटल डब्लू, तो ये आपका हो गया पी को आपने बाहर कर लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस थीटा, ओके डन। और ये क्या हो गया, थीटा वन टू थीटा टू,
नहीं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी, कॉस थीटा टू, लोअर लिमिट कितनी है, कॉस थीटा वन, माइनस कर देंगे माइनस कॉस थीटा वन, राइट, कॉस थीटा वन। और ये देखिए, पहले अपर लिमिट रखी जाती तो माइनस कॉस थीटा टू, फिर लोअर लिमिट रखी जाती तो माइनस कॉस थीटा वन, बीच में माइनस भी करते हैं, तो इस तरह से डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो गया पी ई, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क डन, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, राइट, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसको हम थीटा, एक पोजीशन थीटा वन पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर हम उसको पोजीशन, एंगुलर पोजीशन थीटा टू पे ले जाते हैं, तो हमें इस दौरान कितना वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए ये एक्सप्रेशन है, जहाँ पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यूनिफॉर्म था। अब प्रॉब्लम इज दैट कि ये थीटा वन है क्या एक्चुअली, तो ऑफकोर्स थीटा वन हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, उससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल किस पोजीशन पे था, दैट इज थीटा वन, और बाद में हमने किस पोजीशन पे कह दिया, दैट इज थीटा टू। अभी आपने देखा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले थीटा वन पे था, फिर थीटा टू पे हो जाता है, तो ये हमारी एंगुलर पोजीशंस हैं। स्पेशल केस है कि अगर शुरू में ही इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमारा है, शुरू में एकदम इनिशियली ही इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और हम फिर उसको थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है, और ये थोड़ा इजी एक्सप्रेशन बन जाता है कि शुरू में हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे था, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर हमने उसको थीटा रोटेट कराया, बस इतना सा, ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे स्पेशल केस हो जाएगा कि भाई हम शुरू में ही जीरो डिग्री लेके चल रहे थे, तो वहाँ पे थीटा वन को हम क्या लेके चलेंगे, जीरो डिग्री, और जो थीटा टू वो क्या है, हमने मान लिया कि हम भैया थीटा ही घुमा रहे हैं उसको, तो उस समय ये जो वर्क का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पी ई, और यहाँ आप रख दोगे कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो और माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब आपका वर्क का जो फार्मूला वो ये हो जाएगा पी कॉस जीरो इज वन एंड दिस इज कॉस थीटा। तो देखिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं आराम से, तो लेकिन ये उस कंडीशन के लिए जब इनिशियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो और फिर हमने उसको थीटा एंगल रोटेट कराया हो, तो आप इस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चीज़ें दी रही, थीटा दिया रहेगा तो वैल्यू रख के जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसका यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसको एक बार दो बार देखिए अच्छे से, बिल्कुल समझ में आएगा, अगर कोई डाउट रहे तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।